मतलब इतने पैसे है कि तुम यूं समझ लो कि मैं एक दिन में अगर मैं 5 लाख रुपया भी उड़ाऊंगा ना, तो आने वाले 50 साल तक मेरे पास पैसे कम नहीं होंगे। अमेरिका में हो ना। हाँ, तो पैसा तो मेरा मेरा क्या है प्रशांत भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा क्या है कि देखो, बोलो ना। जिंदगी में ना मैंने सब कुछ किया, ठीक है, मैंने मैंने ड्रग्स लिए, मैंने रंडीबाजी की, जुआ खेला, दारूबाजी की, जेल गया, बहुत सारी चीजें मैंने जिंदगी में की, ठीक है। सुना है मैंने तो। लेकिन इंसान है ना, एक ही चीज कर करके फिर वो बोर हो जाता है, समझ रहे हो। बराबर बराबर सही बात है। तो अभी मतलब के जैसे कि अब देखो तुम हो, अब तुम्हें देखो, अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम रात को सपने देखते हो कि भाई काश मेरे पास एटलीस्ट मेरे पास 20-25 लाख होते तो मैं अच्छी जिंदगी जीता, अपनी लड़कियों को अच्छे से खिलाता पिलाता, समझ रहे हो। हाँ, तो अब क्या है प्रशांत भाई कि अब देखो, जैसे जैसे तुम्हारी लड़की बड़ी होगी, दोनों लड़कियां, फिर वो सोचेगी कि भाई हमारे पापा भी हमें आईफोन दिलाए, हम भी बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट। देखो जमाना अभी है ना, बहुत बदल गया है प्रशांत भाई। पहले कैसे था, जैसे तुम छोटे थे, तुमको पता था कि तुम्हारे माँ बाप गरीब थे, तो तुम कुछ चीजें है ना सामने से नहीं मांगते थे, क्योंकि तुम्हें पता था कि भाई तुम्हारे माँ बाप गरीब है। बराबर। लेकिन आजकल की जो लड़कियां है ना, वो नहीं समझते, उनको चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए। सही बात है। हाँ, अब कल को मतलब चलो, अब तुम तो यार एक मतलब गरीब इंसान हो, अब कल को मतलब तुमने अपनी बेटियों को कुछ तुम नहीं दे पाए, तो फिर वो तुम्हारे सामने बगावत करेगी, तुम्हें बोलेगी कि भाई जब तुझे पता था कि भाई तू गरीब है तो फिर तूने पैदा ही क्यों किया हम लोगों को, क्यों हम लोगों की जिंदगी तूने नरक बनाई, इससे तो अच्छा ही था भाई तू हमको पैदा ही नहीं करता, समझ रहा है। तो ये सारी चीजें है ना भाई, अब कलयुग आ गया है, तो यहाँ पे ना तो लड़कों को बाप की शर्म होती है, ना लड़कियों को माँ की शर्म होती है, ठीक है। हाँ, तो यार अब ये जमाने में मतलब अब तुम इतने गरीब हो, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। देखो अब 9-10 साल की लड़कियां मतलब अब तुम काम करो कि तुम्हारी लड़कियां जब 14-15-16 साल की हो जाए ना, उसके बाद तुम्हें ना संन्यास ले लो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं पनवे भाई, ऐसा है अभी थोड़ा कंडीशन खराब है। हाँ, वो ब्याज से पैसा लिया था, वैसा नहीं, मैंने पैसा पहले 10,000-20,000 ऐसा लिया था, वो फेर दिया मैंने। देखो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा प्रशांत भाई, ये मेरा वादा है, ठीक है। मैं तुम्हें 10,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं तुम्हें मैं अभी भाव को कॉल करके बोलूंगा ना, तो वो भाव भी तुम्हारे अकाउंट में 10,000 डाल देगा, समझ रहे हो, हिंदुस्तानी भाव। हाँ, तो 10,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है कि चलो मैं आज तुम्हें 10,000 दे दूंगा, लेकिन कल को फिर से तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब देखो तुम एक मतलब सच्चे गरीब इंसान हो, तो फिर तुम्हें भी अंदर से ऐसा लगेगा ना कि मैं यार कहाँ पनौड़ी भाई के पास हमेशा मांगता रहूं, एक होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम सोचोगे कि भाई ये बंदे ने बिना जाने बिना पहचाने मुझे 10,000 ऐसे ही दे दिए, अब मतलब मैं दूसरी बार तो तुम मांगोगे नहीं मेरे से। ठीक है, चलो मैं आज तुम्हें 10,000 दे दूंगा, फिर कल को तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो तुम क्या करोगे बताओ। नहीं, क्या है, अभी वो टाइम वगैरह चालू होने वाला है, तो वो टाइम करना पड़ेगा मेरे को।
देखो प्रशांत भाई, तुम 32 साल के हो, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। देखो ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, ठीक है? देखो प्रशांत भाई, है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं 37 इयर्स का हूँ और मेरी एक किडनी है ना काम नहीं कर रही। अगर हाँ, अगर तुम मुझे अपनी किडनी देते हो तो मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा। मजाक भाई, देखो मैं कोई लाइव वाइव पे नहीं हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं किडनी वाले बंदे को ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ अमेरिका आने का खर्च क्या हुआ? किडनी कैसे क्या आपकी खराब हो गई? अरे मैं पिछले 30 साल से दारू पी रहा हूँ ना लगातार रोज। हाँ, दारू पिया मैंने, ड्रग्स लिया, तो मेरी किडनी अभी है ना, मेरी किडनी ने जवाब दे दिया है, ठीक है? तो मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, तुम्हारी पूरी फैमिली को अमेरिका बुलाने की, पूरा खर्चा मेरा, तुम लोगों को मैं यहाँ पे अच्छे से रखूंगा। जैसे ही मतलब हमारी किडनी ट्रांसफर होती है, उसके 1 महीने बाद मैं तुम्हें इंडिया भेज दूंगा 5 करोड़ के साथ। देखो अब घर तुम वाले नहीं मानेंगे पनोटे भाई। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक सवाल ये पूछा कि तुम दारू पीते हो, तुमने बोला ना, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी दोनों किडनियां बहुत हेल्दी होगी, हाँ बोलो। ठीक? देखो एक किडनी पे है ना बंदा 100 साल तक जी सकता है, समझ रहे हो? सर हाँ, नहीं, 100 साल देखो में जी सकता है ध्यान जी सकता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे बॉडी में 2 किडनी होती है, ठीक है? अब जब एक किडनी काम करती है ना, एक किडनी काम करती है ना, तो उसी टाइम पे दूसरी किडनी जो होती है वो आराम करती है। जैसे ही जो किडनी काम कर रही है वो थक जाती है, ऐसे ऑटोमेटिक दूसरी किडनी अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तो बॉडी में ये फंक्शन ऐसे काम करता है। लेकिन मेरा क्या है, मेरी एक किडनी खराब है। देखो जैसे ही मेरी एक किडनी थक जाती है ना, अब दूसरी किडनी तो मेरी काम नहीं कर रही, तो फिर मुझे है ना वॉमिटिंग होने लगती है, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। हाँ, हाँ, तो देखो अगर आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? आपकी ये कहते हॉस्पिटल को नहीं ये नहीं क्या वो बोलते हैं डोनेट के हॉस्पिटल लिए में जहाँ पे डोनेट हॉस्पिटल होता सुनो है। हॉस्पिटल में मेरा नाम लिखा हुआ है, अगर कोई किडनी डोनर आएगा तो वो लोग मतलब मेरा नाम लिखा ही हुआ है। लेकिन देखो यार, अब जिंदगी मुझे तो मेरी बचानी है ना प्रशांत भाई, तो मैं भी हाथ पैर तो मार ही रहा हूं। तो यार देखो, मैं तुम्हें ना, देखो चलो जान दो, मैं तुम्हें ना 6 करोड़ में फाइनल करते हैं, 6 करोड़ मैं तुम्हें दूंगा, वो भी तुम इंडिया में बोलोगे तो इंडिया में दूंगा। और सुनो, तुम्हें जिंदगी भर अमेरिका